अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। किसी भी वक्त तुम्हारी हत्या करवा दूंगा और मौत भी तुम्हारी ऐसी वैसी नहीं, मौत भी तुम्हारी ऐसी होगी कि जो आत्महत्या प्रतीत होगी। मैंने उन्हें अपनी समस्याएं बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि काम चालू करो और मुझे 6 लाख का महीना प्रोवाइड करवाओ। उसने कहा कि 1 हफ्ते का समय देता हूँ, तुम पैसे का इंतजाम करो, अगर किसी का फोन करवाया तो मैं तुम्हारी हत्या करवा दूंगा, और ऐसी वैसी हत्या नहीं करवाऊंगा, वो हत्या आत्महत्या साबित होगी। और जिस तरीके से सब कुछ हो रहा है उसको देख के साफ लगता है कि SIT ने और आगे जो फर्दर इंक्वायरी करें सब मणिलाल पाटीदार को बचाना चाहते हैं। जोर जोर से डांटते हुए गाली देते हुए कहा कि सुनो, जाकर 1 हफ्ते के अंदर 6 लाख की व्यवस्था करके लाओ वरना। 7 सितंबर 2020 को यूपी के महोबा में एक वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो एक क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी का था। अपनी ऑडी कार में बैठकर त्रिपाठी ने इस वीडियो में जो बातें कही उसे सुनकर महोबा तो क्या, पूरा यूपी सन्न रह गया। किसी भी वक्त तुम्हारी हत्या करवा दूंगा और मौत भी तुम्हारी ऐसी वैसी नहीं, मौत भी तुम्हारी ऐसी होगी कि जो आत्महत्या प्रतीत होगी। त्रिपाठी ने जिले के SP मणिलाल पाटीदार पर संगीन इल्जाम लगाए थे। उन्होंने कहा कि SP उनसे हर महीने 6 लाख रुपए रिश्वत की मांग कर रहे हैं और उन्हें धमकी दी है कि अगर उन्होंने नियमित रूप से उन्हें इतने रुपए रिश्वत में नहीं दिए तो वो उनका कत्ल करवा देंगे और पूरी दुनिया को मामला खुदकुशी का लगेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं इंद्रकांत त्रिपाठी, पुत्र श्री किशोरीलाल त्रिपाठी, जवाहरनगर कबरई का निवासी हूँ। महोबा पुलिस अधीक्षक श्री मणिलाल पाटीदार एक बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी है जो खुलेआम हर किसी से रुपए की डिमांड करते हैं। जैसा कि मेरे साथ घटित हुआ, मेरे क्रेशर के पार्टनर बालकिशोर द्विवेदी और पुरुषोत्तम सोनी दोनों विस्फोटक के लाइसेंस होल्डर, मैगजीन होल्डर व्यक्ति हैं जिनका मैं प्रशासनिक व कानूनी कार्य देखता हूं। इस संबंध में सूर्य केमिकल्स के सुरेश सोनी जो प्रतिमा है SP मणिलाल पाटीदार को 5 लाख से 6 लाख रुपए प्रति माह देते चले आ रहे हैं जब से मणिलाल पाटीदार जी महोबा में पोस्टेड हुए हैं, उसी संदर्भ में जून 2020 को मणिलाल पाटीदार ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा, इंद्रकांत तुम अपने विस्फोटक का काम बंद क्यों किए हो। मैंने उन्हें अपनी समस्याएं बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि काम चालू करो और मुझे 6 लाख का महीना प्रोवाइड करवाओ, जिसको देने में मैंने असमर्थता जताई तो माननीय मणिलाल पाटीदार जी ने मुझे धमकाया कि अगर तुमने 6 लाख रुपए प्रति माह मुझे नहीं दिए तो तुम्हारे इतने मुकदमे लगवा दूंगा कि जिसकी तुम गिनती नहीं गिन पाओगे। वीडियो तो वायरल हो गया। 2 दिन बाद यानी 9 सितंबर को इंद्रकांत त्रिपाठी इसी मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले थे, लेकिन इसी बीच मामले में एक ट्विस्ट आ गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि त्रिपाठी ने 7 सितंबर को जो बातें कही थी अगले दिन यानी 8 सितंबर को कुछ वैसा ही हो गया। बेहद रहस्यमय हालत में उसी कार के अंदर त्रिपाठी को गोली मार दी गई। गोली उनकी गर्दन में लगी थी और वो ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बेसुध पाए गए। एक ऐसे कारोबारी जिसने पहले ही जिले के SP पर सनसनीखेज इल्जाम लगाए हों,
अपने कत्ल की आशंका जताई हो। जब उसे दिन दहाड़े कोई सड़क किनारे उसी की कार में गोली मारकर चला जाए तो मामले का उलझना लाजमी था। महोबा से लेकर लखनऊ तक शासन प्रशासन में मानो भूचाल आ गया। इधर त्रिपाठी को गोली लगने की खबर मिलते ही आनन फानन में करबई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। उन्हें जख्मी हालत में कार से निकालकर इलाज के लिए पहले महोबा के ही जिला अस्पताल भिजवाया गया और फिर उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें कानपुर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। लेकिन आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। पहले उन्हें पैरालिसिस का अटैक हुआ और अगले चंद दिनों में यानी 13 सितंबर को त्रिपाठी की मौत हो गई। तो क्या एसपी मणिलाल पाटीदार ने वही कर दिया जो उन्होंने त्रिपाठी से कहा था? तो क्या एसपी ने ही क्रशर कारोबारी की गोली मारकर हत्या करवा दी? एक ऐसे शख्स जिस पर जिले में कानून व्यवस्था की हिफाजत की जिम्मेदारी थी, आखिर वही इतना संगीन जुर्म कैसे कर सकता था? ये सवाल बेहद अहम था और इसी सवाल को लेकर हर कोई हैरान परेशान था। जिस महोबा पुलिस ने पहले त्रिपाठी के जख्मी रहते हुए इस मामले में आईपीसी की धारा 307 यानी कत्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया था, त्रिपाठी की मौत के बाद उसी पुलिस ने इस मामले को आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल के मामले में तब्दील कर दिया और मुलजिम बनाए गए जिले के एसपी मणिलाल पाटीदार। अब जब कोई एसपी अपने ही जिले में इतने संगीन मामले में मुलजिम करार दिए जाए तो वो भला अपनी कुर्सी पर कैसे रह सकते हैं? तो आनन फानन में पाटीदार को भी उनकी कुर्सी से हटा दिया गया, वो सस्पेंड कर दिए गए। आपको एक कारोबारी की रहस्यमयी मौत की ये पूरी कहानी अभी तफसील से सुनाएंगे, लेकिन अपनी मौत से पहले रिकॉर्ड किए गए कारोबारी के वीडियो का बाकी कुछ हिस्सा भी सुन लीजिए ताकि आपको मामले को समझने में और आसानी हो जाए। तब मैंने कहा कि सर मेरे पास व्यवस्था नहीं है, आपको जो करना है आप कर दीजिए। तब उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तुम कहीं ना कहीं से राजनीतिक व्यक्ति भी हो, अगर तुमने किसी नेता से राजनीति करवाई या मुझे फोन करवाया तो मैं तुम्हारी हत्या करवाने में भी गुरेज नहीं करूंगा, किसी भी वक्त तुम्हारी हत्या करवा दूंगा, क्योंकि फाइनेंसर मेरे पास सुरेश सोनी बैठा हुआ है, मेरे जिले में मेरे पास इतने पुलिसकर्मी हैं कि मैं किसी को भी बोल दूंगा वो आकर के तुम्हें ठोक देगा, और मौत भी तुम्हारी ऐसी वैसी नहीं, मौत भी तुम्हारी ऐसी होगी कि जो आत्महत्या प्रतीत होगी। एक वो दिन था और एक आज का दिन, जो एसपी कभी कानून के दुश्मनों के लिए काल बनकर घूमते थे, आज वही एसपी खुद कानून की नजर में एक मुलजिम करार दिए जाने के बाद ऐसे गायब हुए हैं कि मामले की जांच कर रही एसआईटी समेत पूरी यूपी पुलिस लाख कोशिश के बावजूद उन्हें नहीं ढूंढ पा रही है। फरारी में तो उन्होंने वो महारत दिखाई है कि एसपी साहब के नाम 25,000 रुपए से शुरू हुआ इनाम अब 1,00,000 रुपए तक जा पहुंचा है, लेकिन यूपी पुलिस अपने एसपी को पकड़ना तो दूर, उनकी परछाई तक का पता नहीं लगा पा रही है। तो क्या वाकई मामला इतना ही भर है जितना सरसरी तौर पर नजर आ रहा है, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है? तो सुनिए, त्रिपाठी परिवार का सीधे सीधे इल्जाम है कि यूपी पुलिस खुद ही अपने अफसर को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस हमाम में सारे नंगे हैं। खुद आरोपी सीबीआई जांच की मांग कर इशारों ही इशारों में अपने महकमे के बाकी अफसरों को फंसा देने की धमकी दे रहा है, और यही वजह है कि पुलिस भी उसे ढूंढ निकालने की गंभीर कोशिश नहीं कर रही। मणिलाल पाटीदार के वकील ने याचिका डाली थी आरोपी बंदी प्रत्यक्षीकरण की और सीबीआई जांच की। आपको क्या लगता है उसने क्यों डाली थी? उसका डालने का मतलब ये था, एक तो गुमराह करना और अपने उन अधिकारी साथियों को ये आगाह करना कि मुझे बचा लो नहीं तो सीबीआई जांच में मैं सब उगल दूंगा।
तो इससे क्या साबित होता है? हम चाहते हैं सीबीआई इंक्वायरी हो, अगर उसने मांगा है तो मैं चाहती हूँ, मैं त्रिपाठी परिवार की तरफ से कहती हूँ और मुख्यमंत्री से कहती हूँ कि आप सीबीआई जांच करो और इस आत्महत्या को हत्या जो सही है उसको साबित करो, क्योंकि सीबीआई अब ये जान सकती है, बता सकती है कि ये आत्महत्या नहीं है, हत्या है, क्योंकि उस व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिल्कुल से ठीक था, वो अपनी जान बचा रहा था। आत्महत्या करनी होती तो खुले में कर लेता, वो एसपी ऑफिस के सामने कर लेता, वो और फंस जाती अगर इस तरह से कुछ करना होता, या कब्रे ही एसओ के ऑफिस के सामने कर लेता, वो अपनी जान क्यों बचाएगा? हम ये चाहते हैं कि अब सीबीआई जांच हो और साथ ही साथ उसकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि वो गिरफ्तार नहीं होगा, वो फरार रहेगा, तो मेरी पूरे परिवार को जान का खतरा रहेगा, पुलिस उसे नहीं पकड़ना चाह रही है। त्रिपाठी परिवार इस मामले की जांच कर रही एसआईटी के अफसरों पर तो भाई भतीजावाद का आरोप लगा ही रहा है। उनका यहां तक कहना है कि चूंकि इस वसूली रैकेट में दोषी एसपी के अलावा कुछ और दूसरे ऑफिसर भी शामिल हैं, एसपी अपने गिरफ्तार होने पर उन्हें भी ले डूबने की धमकी देकर अब तक अपनी गिरफ्तारी से बचते आ रहे हैं। और यूपी पुलिस नाटक करती हुई लगातार अपने एसपी पर इनाम की राशि बढ़ाती जा रही है। यकीनन ये अपनी तरह का पहला मामला है जब किसी सर्विंग आईपीएस ऑफिसर पर सीधे सीधे वसूली के लिए कत्ल का इल्जाम लगा है, जिसकी तलाश में पूरे 9 महीने से यूपी की पुलिस खाक छान रही है और हार कर जिसे 1,00,000 रुपए का इनामी अपराधी भी घोषित कर दिया गया है। लेकिन ये तो रही खून के इल्जाम में फरार एक आईपीएस ऑफिसर पर उसी के महकमे की मेहरबानी की बात। मामले की जांच में भी अब तक पुलिस ने ऐसे ऐसे झोल किए हैं जिसे देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि मामला किस तरफ जा रहा है और इसका अंजाम क्या हो सकता है। सूत्रों की माने तो त्रिपाठी की मौत के बाद जब उनकी लाश का पोस्टमार्टम किया गया तो पहले ही नजर में यह साबित हो गया कि मामला कत्ल का है, क्योंकि गोली त्रिपाठी की रीढ़ की हड्डी C7 के ठीक बीचों बीच लगी थी और गोली गले से ही बाहर निकल गई। चूंकि गाड़ी की सीट पर भी चंद धब्बों के सिवाय कोई और खून के निशान नहीं थे, ये साफ साफ लग रहा था कि उन्हें कातिलों ने कार से नीचे उतार कर कहीं गोली मारी और फिर कार में बिठा कर फरार हो गए। वैसे भी जो शख्स खुद ही अपनी कार ड्राइव करता हो, वो अपनी ड्राइविंग सीट से नीचे उतर कर बगल वाली सीट पर जाकर बैठे और फिर अपनी गर्दन में ठीक 90 डिग्री के एंगल पर गोली मार ले, ये बात कुछ गले से नीचे नहीं उतरती। ऊपर से त्रिपाठी के घर वालों का कहना है कि वीडियो बनाने के बाद वो खुद ही अपनी जान की डर से एक दिन के लिए खजुराहो में जाकर छुपे हुए थे और जब अगले दिन वो महोबा लौट रहे थे तब उनकी हत्या की गई। अगर उन्हें खुदकुशी ही करनी थी तो वो खजुराहो जाकर क्यों छुपते? जान ही देनी होती तो एसपी ऑफिस के सामने ही देते। ये हत्या है, कारण जो पीएम रिपोर्ट हुई थी, PM 13/9/2020 को हुआ, मैं पीएम रिपोर्ट में था, मेरे सामने पीएम रिपोर्ट हुई है, डॉक्टर भी कह रहे थे कि पीछे से गोली मारी गई है और आगे से निकली है, और वही उन्होंने पीएम रिपोर्ट में दिया है कि C7 ग्रीवा होती है वो पीछे होती है गर्दन के ऊपर पास में, और वो जो है C7 ग्रीवा को पार करते हुए गोली आगे से निकली हुई है और C7 ग्रीवा के पास ब्लैकनेस थी और अंदर घाव धंसने के निशान थे और बाकायदे जो है आगे से निकलने के निशान थे गोली के, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। इसी कारण पीएम रिपोर्ट में लिखा है पीछे से गोली मारी गई है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ C7 ग्रीवा से गोली मारी गई है पीछे से, C7 ग्रीवा का मतलब होता है पीछा। वैसे भी जब पोस्टमार्टम में ये बात साफ हो गई हो कि उन्हें गोली गर्दन के बीचों बीच मारी गई और गोली गले की तरफ से बाहर निकल गई, तो फिर मामला कत्ल का ही लगता है, क्योंकि किसी भी खुदकुशी करने वाले आदमी के लिए ठीक अपनी गर्दन के बीचों बीच गोली मार लेना नामुमकिन सा है। वैसे भी जिसे खुद को गोली मारकर जान देना होता है वो या तो अपनी कनपट्टी पर, अपने गले पर या फिर अपने सीने पर गोली मारता है। कोई हाथ घुमाकर अपनी ही गर्दन में गोली मार ले, ऐसा आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलता, मामले की जांच कर रही यूपी पुलिस की एसआईटी ने वही देख लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट धरी की धरी रह गई और एक एक्सपर्ट से राय शुमारी कर पुलिस ने न सिर्फ इसे खुदकुशी का मामला मान लिया बल्कि मामले को दूसरी बार बदल कर आईपीसी की धारा 306 के तहत खुदकुशी के मामले में तब्दील कर दिया और एसपी मणिलाल पाटीदार को इसी खुदकुशी के मामले में मुलजिम बना रहने दिया। कहने की जरूरत नहीं है कि कानून की तलवार की धार और कुंद कर दी गई। किसी भी वक्त तुम्हारी हत्या करवा दूंगा,
जिस यूपी पुलिस को करीब एक हफ्ते पहले तक न तो खुदकुशी में इस्तेमाल की गई गोली मिली थी और न ही पिस्टल मिला था, उसी यूपी पुलिस ने एसआईटी की जांच शुरू होते ही पिस्टल भी बरामद कर ली और गोली भी। पिस्टल त्रिपाठी के घर से मिली। सवाल यह है कि खुदकुशी वाली पिस्टल उनके घर कैसे पहुंची? क्या खुद को गोली मारकर वो पिस्टल अपने घर पर पहुंचा आए थे और फिर गाड़ी की सीट पर आकर फिर से निढाल हो गए? हद तो ये है कि मौत के लिए जिम्मेदार गोली भी तभी पुलिस के हाथ लगी जब एसआईटी की जांच शुरू हुई। मानीलाल पाटीदार पर यह आरोप है कि उन्होंने ही हत्या करवाई है। चूंकि महोबा क्रशर का गढ़ है, यहाँ पर खनन होता है और यहाँ से जो वो गिट्टी होती है वो पूरे प्रदेश और बाहर भी जाती है। ऐसे में यहाँ व्यापारियों से पैसे वसूले जाते रहे हैं और जब पैसे नहीं दिए गए, 5 लाख हर महीने नहीं दिए गए, तो उसके बदले ये हत्या करवाई गई। बहरहाल एसपी के इशारे पर वसूली की कोशिश करने समेत इंद्रकांत त्रिपाठी की रहस्यमय मौत के मामले में पुलिस ने एसपी मणिलाल पाटीदार समेत और भी कई लोगों को इस केस में आरोपी बनाया था, जिसमें कुछ पुलिस वाले और कुछ दूसरे कारोबारी भी शामिल थे। और ये अधिकारी इन चीजों में कॉपरेट नहीं कर रहे हैं और जो भी लीगल प्रक्रियाएं थी 82-83 की और इनाम घोषित करने की, तो उसके तहत ही ये इनाम घोषित किया गया है और इस पे स्थानीय पुलिस और हमारी जो एसटीएफ की टीम है उसको भी लगाया गया है ताकि इसको जल्द से जल्द हम लोग कानूनी तरीके से इसको गिरफ्तार करें और विवेचना को जल्द से जल्द समाप्त करें। हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने ऐसे कितने बेबस और मजबूर लोग हैं जो पैसों की वजह से मजबूर हैं। आपकी थोड़ी सी मदद इनकी जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों ना मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। डोनेट करने या बाकी जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।